हरिपुर में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, पीटीआई के सूबाई रहनुमा मलिक ताहिर इकबाल साथी समेत जान बहक। फायरिंग से दो दीगर साथी भी जख्मी हुए। मलिक ताहिर इकबाल पीटीआई के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हजारा डिवीजन थे। पेशावर के इलाके मचनी गेट में भी मुलजमान की फायरिंग, तीन अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक मामला जाती दुश्मनी का है। इस्लामाबाद के रेड जोन में एमपीए के खावंद और जुडिशल अफसर में झगड़ा, मामला तल्ख कलामी से होता हुआ असलहे के इस्तेमाल तक जा पहुंचा। सीसीटीवी सामने आ गई। हवाई फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। चौधरी खुरम को गाड़ी समेत थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। कसूर में नामालूम मुलजमान ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी, मियां बीवी जान बहक हो गए। गोलियां लगने से चार बच्चे भी जख्मी हुए। मोटरवे ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त, मुलजिम वकार ने गिरफ्तारी दे दी। जुर्म तस्लीम करने से इनकार, कहा ट्रेस होने वाला नंबर उसके नाम पर जरूर मगर बरादर नस्बती के इस्तेमाल में है। इसी नंबर से वारदात के वक्त मरकजी मुलजिम आबिद को कई कॉल्स की गई। डीएनए के लिए मुलजिम का नमूना हासिल कर लिया गया। पुलिस को रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस मोटरवे सानहे के मरकजी मुलजिम आबिद को पकड़ने में ताहाल नाकाम। मुलजिम आदि मुजरिम निकला। समा ने आबिद का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल कर लिया। कत्ल, इकदाम कत्ल और ज्यादती समेत आठ मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम का शेखुपुरा में घर जेर तामीर, छः माह से इसी घर में रिहाइश पजीर था। अहले इलाका के मुताबिक मुलजिम से मिलना जुलना नहीं था, ना उसके जराए आमदन से मुतालिक कोई मालूमात हैं। फयाज चौहान कहते हैं आबिद का भाई और वालिद तहवील में हैं। चार सदा में वैनस सूबाई कार लिफ्टर गिरोह का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। 10 चोरी शुदा गाड़ियां और नकदी भी बरामद। गाड़ियां मालिकान के हवाले कर दी गईं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान 50 से जायद मुकदमात में मतलूब हैं। पाक फौज की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। वजीरिस्तान में मतलूब दहशतगर्द कमांडर तीन साथियों समेत हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक एहसान सनड़े सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। और सऊदी अरब का कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आयद सफरी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। इतलाक 1 जनवरी से होगा। एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें और बड़ी सरहदें चौकियां खोल दी जाएंगी। अकामा या वीज़े वाले गैर मुल्कियों को सऊदी अरब आने की इजाज़त होगी।